स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों कुछ इस तरह के राउटर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक राउटर का बॉक्स है और इस पे लिखा है 5G राउटर। मतलब बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज है कि ये राउटर 5G है या 4G है, और मैं आज इसी का खुलासा करने वाला हूँ कि कंपनियां हमको कैसे बेवकूफ बनाती हैं। जो लोग इसको अच्छे से नहीं जानते या जिनको इनकी कॉन्फ़िगरेशन का नहीं पता होता, वो किस तरह बेवकूफ बनते हैं, आज मैं उसी की पूरी जानकारी देने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि ये जो राउटर है ये 5G है या 4G है, और अगर 5G है तो 5G इसमें कैसे चलेगा, और अगर 4G है तो इस पे 5G क्यों लिखा हुआ है। तो उसी की सारी जानकारी आज इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो भैया आप देख सकते हो कुछ इस तरह का बॉक्स है, यहाँ पे डिटेल लिखी हुई है सारी की सारी, आप इसे पढ़ लेना। इसका स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा। अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। लोकल सा डब्बा है, कोई कंपनी मुझे खास लग भी नहीं रही, नाम भी नहीं लिखा हुआ है किसी कंपनी का। और डब्बे के अंदर कुछ नहीं है, ये देख सकते हो आप। इसको हम एक तरफ रख देते हैं। ये हमारा राउटर है 5G सिम सपोर्ट राउटर। और एक फर्क बता देता हूँ आपको, इस पर लिखा है 5G सिम सपोर्ट और इसमें लिखा है 5G सिम सपोर्ट और इस पर लिखा है 5G राउटर। अब देखते हैं राउटर 5G है भी या नहीं, या सिर्फ देखने देखने के लिए ही है। अब ये सबसे पहले दिखा देता हूँ उसके साथ हमें क्या क्या मिलता है। हमें एक USB केबल मिलती है जो हम कोई भी चार्जर के साथ लगा के इसे यूज़ कर सकते हैं, प्लस एक हमें LAN केबल मिलती है। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसे इंस्टॉल करके, और थोड़ा राउटर के फंक्शन समझा देता हूँ मैं पहले। यहाँ पे आपको सिम लगानी है, DC पिन लगानी है और एक LAN पोर्ट। आपको अपना DVR राउटर या जो भी ऑनलाइन करना है, DVR, NVR, वाईफाई कैमरा या जो भी है आपका, LAN से आप यूज कर सकते हो। राउटर छोटा सा है, अच्छा लग रहा है देखने में। तो भाई अब इसे प्लग इन करते हैं। मैंने जो मेरी DC पिन है इसमें पावर दे दी है और देखते हैं क्या रिस्पॉन्स मिलता है। ये देखो पावर देते ही हमारे दो LTE और पावर का ऑप्शन ऑन हो चुका है। अब हम इसे फोन में कनेक्ट करके देखते हैं कि हमें क्या क्या सेटिंग देखने को मिलती है इसमें। तो फोन भी ऑन हो चुका है दोस्तों। सबसे पहले देखते हैं कि इसका वाईफाई आ रहा है यहाँ तक कि नहीं। ये आ चुका है 4G मीफी DD2E। अब देखते हैं इसे कनेक्ट करके। वाईफाई का पासवर्ड तो वैसे डिफ़ॉल्ट ही होता है इसका, 1 से 8 तक, 1, 2 थी। एक से आठ तक इसका पासवर्ड है। अब देखते हैं इसकी जो, पहले तो इसका सीरीज चेक करते हैं कि ये किस सीरीज का है। उसके लिए हमें चले जाना है फिंग एप्लीकेशन में। ये रही हमारी फिंग एप्लीकेशन और मैं इसे यहाँ पे स्कैन कर लेता हूँ। 100 की सीरीज में है। तो दोस्तों अब इसका राउटर है जो, उसे खोल के देखते हैं। फोर जी एल टी ही लिखा हुआ है। अब देखते हैं इसमें हमें कुछ ऐसा मिलता है क्या, ये 5G सपोर्ट कर रहा है या नहीं। तो भाई अभी तक तो मुझे इसमें कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला। अब मैं इसमें सिम लगा के देखता हूँ। तो भाई सिम लगाने के लिए मुझे सिम फ़ोन में से ही निकालनी पड़ेगी अपने। तो भाई सिम आ चुकी है हमारे पास, ये रही सिम, इसे लगाते हैं।
जियो की सिम है, 4G और 5G दोनों सपोर्ट करती है। 5G मैं यूज़ कर रहा था अपने फ़ोन में, तो 5G रिचार्ज है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि इसमें 5G रिचार्ज ना हो। इसे बंद करते हैं एक बार, दोबारा चलाते हैं और अब अपने फ़ोन में चेक करेंगे। फ़ोन से ही निकाल के मैंने अब इसमें लगाई है सिम, आप लोगों को बता दूं। ये आ चुका है इसका वाईफाई, कनेक्ट करते हैं। अब देखते हैं कि हमें कुछ सेटिंग मिलती है 5G की या नहीं, क्योंकि ये जो राउटर है 5G कह के ही बेचा जा रहा है मार्केट में। सिम कार्ड इज़ वैलिड एडवांस APN जियो 4G। फिर मुझे तो कुछ ऐसा इसमें समझ नहीं आ रहा, 4G ही आ रहा है। एक चीज़ देख लेते हैं, नेट की स्पीड देख लेते हैं, उससे पता चल जाएगा। कोई फायदा नहीं है दोस्तों, ये राउटर भी 5G सिम सपोर्ट है, सिर्फ 5G राउटर नहीं है। तो अगर आप भी ले रहे हो 5G सोच के, तो ये 5G राउटर नहीं है। आप लोगों के सामने इसका रिजल्ट है, ये देख सकते हो। तो दोस्तों मैं अब आपको थोड़ा पास से दिखाता हूँ। ये देखिए मेरे फ़ोन में अभी 5G चल रहा है, आप देख सकते हो ऊपर 5G आ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है। और मैं अब नेट की स्पीड दिखाता हूँ 5G की, ये देखिए ये है 5G और 4G का फ़र्क। ये देखिए इतनी 224 Mbps डाउनलोड है और अपलोड है 56 Mbps। तो दोस्तों अगर आपको भी कोई इस तरह का राउटर 5G कह के बेच रहा है, तो आप उसे बिल्कुल भी ना ले, 5G राउटर नहीं है ये, 4G राउटर है। इस पर सिर्फ लिखा है 5G सिम सपोर्ट और कुछ नहीं। मतलब ये जो 5G सिम होती है उसे भी सपोर्ट करता है, उसमें भी 4G में नेट चलाता है। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों ने पूरी देख ली, सब कुछ अच्छे से समझ भी चुके होंगे कि ये जो राउटर है इस पे 5G सिम सपोर्ट लिखा हुआ है अंदर। ये राउटर 5G राउटर नहीं है, ये सिर्फ 5G की जो सिम होती है, जो फोन में हम 5G यूज करते हैं उस सिम को भी सपोर्ट करता है। राउटर 4G है। अगर आप ये सोच रहे हो कि हम ये राउटर लेके कोई भी इसमें जियो की सिम लगा के 350 वाले प्लान में अनलिमिटेड इंटरनेट यूज कर सकते हैं, तो आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें। आप ये 1200-1500-2000 रुपये का जितने का भी राउटर लोगे, आपके पैसे बर्बाद जाने वाले हैं। और अगर आपने राउटर खरीद लिया है और इसमें आपको कोई समस्या आ रही है, तो स्क्रीन पे दिख रहे हुए नंबर से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी, एक मिनिमम सा चार्ज लेकर उसे हम सॉल्व करवा देंगे। और अगर आपके CCTV कैमरा में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।